हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो इंग्लिश मीडियम की ज्योग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 25 राजस्थान पॉपुलेशन एंड ट्राइब्स जो है इसको अपने स्टार्ट किया हुआ है। तो इस चैप्टर के अंदर अपने लास्ट जो वीडियो किया उस लास्ट वीडियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है उस पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन के बारे में अपने स्टडी किया। आज का जो अपना पॉइंट स्टार्ट होता है वो होता है सेक्स रेशियो से। सेक्स रेशियो, देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मीन्स एन इंडिकेटर ऑफ बिटवीन मैन एंड वुमेन्स पॉपुलेशन, यानी मैन एंड वुमेन्स जो हैं, ठीक है, वो वुमेन एंड वुमेन्स की एनी पॉपुलेशन के अंदर जो इनके बिटवीन जितना भी जो अपने रेशियो पाया जाता है वो रेशियो सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग आता है, तो उसे अपने सेक्स रेशियो कहा जाता है। इसको शो करने के लिए नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन, यानी इसको शो कैसे किया जाता है, शो किया जाता है नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैंस, पर 1000 मेंस के ऊपर जो नंबर ऑफ वुमेन्स है उसको अपने शो किया जाता है। अपने कोई भी जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के अंदर सेक्स रेशियो जो होता है, इस सेक्स रेशियो को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसका आता है सेक्स रेशियो को निकालने का, सेक्स रेशियो जो है इसको निकालने का, तो ऊपर आती है टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन्स एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेन्स इनटू 1000, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन एंड टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेन्स जो है इनको इनटू करके 1000 जो निकाला जाता है वो अपने सेक्स रेशियो आ जाता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने जो है सेक्स रेशियो निकाला जाता है। देखिए सेक्स रेशियो जो है ये अपने अंडरस्टूड करता है, अपने को समझने के लिए भी कोई भी जो सोशल रिक्वायरमेंट होती है उस सोशल रिक्वायरमेंट को, कंजप्शन लेआउट जो है उस कंजप्शन लेआउट को समझने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जो स्ट्रक्चर है उस एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, एंड एनी कंट्री की जो डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स होती है उन डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक जो है नॉलेज लेने के लिए भी अपनी जो है सेक्स रेशियो का इंडिकेटर होना जरूरी है। सेक्स रेशियो के बारे में अपने को मालूम होना जरूरी है। तो देखिए जैसे अपने लाइक एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है एंड सब्सिस्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल जो है भी ऑक्यूपेशनल की स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की है, माइग्रेशन कैसे हो रही है, तो इन सारी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए भी अपने जो सेक्स रेशियो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे अपने जान सकते हैं। अब अपने सेक्स रेशियो की बात करें भी अकॉर्डिंग 2011 अगर देखा जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का अगर सेक्स रेशियो देखें अपने तो इंडिया का सेक्स एवरेज जो सेक्स रेशियो है इंडिया का तो वो एवरेज सेक्स रेशियो 943 है इंडिया का सेक्स रेशियो। अगर वही अपने अकॉर्डिंग टू 2011 बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स देखी जाए अपने राजस्थान की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर अपने जो राजस्थान स्टेट है इस राजस्थान स्टेट में 3.56 करोड़ मेल्स हैं टोटल पॉपुलेशन में, 3.56 करोड़ जो मेल्स हैं एंड फीमेल्स की बात करें तो 3.30 करोड़ जो है वो फीमेल्स हैं टोटल पॉपुलेशन में, एंड अकॉर्डिंग टू 2011 अगर राजस्थान के सेक्स रेशियो की बात करें भी एवरेज जो सेक्स रेशियो है वो राजस्थान का है 928 जो है एवरेज सेक्स रेशियो पाया जाता है एंड अपने
जो इंडिया का सेक्स रेशियो है उस इंडिया के सेक्स रेशियो से 15 नंबर लेस है। इंडिया का तो जो है 943 है एंड राजस्थान का 928 है। तो अपने देखिए अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी 1000 मेल्स के ऊपर 928 फीमेल्स यहाँ पे पाई जाती है अकॉर्डिंग टू 2011। तो अपने जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में अगर देखा जाए तो जो इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो से अबो के अंदर अगर देखें तो सबसे जो हाईएस्ट मिलता है वो केरला के अंदर सेक्स रेशियो मिलता है। केरला के बाद में कोई भी एक ऐसा अदर जो स्टेट ऐसा नहीं है जिसके अंदर सेक्स रेशियो जो है वो हाईएस्ट मिले। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से नीचे दो और लो आ जाते हैं इससे लेस देन सेक्स रेशियो वाले स्टेट्स जो हैं, जिनमें एक तो अपने आ जाता है तो, हाँ नहीं ठीक है सेक्स रेशियो जो है इसके अंदर 928 मिलता है इसके अंदर आ जाती है बात। तो राजस्थान स्टेट जो है ये सेक्स रेशियो में आता है। इसके अलावा अपने हरियाणा जो है उसके अंदर भी सेक्स रेशियो काफी लो मिलता है, तो वो हरियाणा जो है इससे सेक्स रेशियो में काफी लो आ जाता है। तो अपने देखिए सेक्स रेशियो की बात हो रही है तो अब अपने ये हो गई स्टूडेंट पर 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखें 2011 के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड अपने सेक्स रेशियो है वो चाइल्ड सेक्स रेशियो अपने जो मिलता है 0-6 ईयर्स का ईयर्स एज के जो चाइल्ड है उन चाइल्ड का अगर सेक्स रेशियो देखा जाए वो 888 मिलता है। 888 जो मिलता है वो क्यों मिलता है, क्योंकि देखिए इस एवरेज सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उन फीमेल्स को फोर्टिसाइड जो किया जाता है एंड इसके बाद अदर अपने ये देख सकते हैं अभी ट्रेडिशनल जो अपने ट्रेडिशंस जो हैं उन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एंड इसके अलावा अपने जो है जो भ्रूण हत्या करा दी जाती है उस भ्रूण हत्या के कारण भी अपने जो है सेक्स रेशियो यहाँ पे कम मिलता है। देखिए सेक्स रेशियो का कम होने का फैक्टर क्या है, राजस्थान में सेक्स का रेशियो जो है इसके कम होने का फैक्टर्स भी आते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग सेक्स रेशियो इन राजस्थान। फिर राजस्थान जो है अब राजस्थान के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है लो सेक्स रेशियो जो है इस लो सेक्स रेशियो के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स सेक्स रेशियो के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है वो क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स के अंदर अगर देखा जाए तो एक तो अपनी जो फैमिली है वो पैटर्नल फैमिली मिलती है, यानी पैटर्नल जो फैमिली है वो पाई जाती है पैटर्नल फैमिली यानी पितृसत्तात्मक परिवार मिलता है। अब पैटर्नल जब फैमिली मिलती है तो वहां पर प्रिफरेंस जो दी जाती है या जो प्रिफरेंस दी जाती है वो दी जाती है अपने जो बॉय चाइल्ड जो होता है उस बॉय चाइल्ड को दी जाती है, यानी जो सन है उस सन को प्रिफरेंस ज़्यादा दी जाती है। तो इसका जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है भी जो गर्ल्स है उन गर्ल्स को ना तो प्रॉपर अपने डाइट मिल सकती है ना उनकी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो मिलती है एंड प्रॉपर जो एजुकेशन है वो भी नहीं करवाई जाती। एंड सेकेंड इसका जो रीज़न आता है वो आता है चाइल्ड मैरिज आता है। अब चाइल्ड मैरिज के अंदर देखिए क्या होता है, चाइल्ड मैरिज जो है चाइल्ड मैरिज के अंदर तो अपने गर्ल्स जो है उनकी जो कम एज होती है उस कम एज के अंदर ही अपने मैरिज कर दी जाती है और कम एज के अंदर ही उनको जो मदरहुड जो स्टेज होती है उस मदरहुड की स्टेज के अंदर आना पड़ता है वेरी यंग एज के अंदर। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये रहती है अभी जो मदरहुड के जो स्टेज होती है उसके अंदर उनकी डेथ हो सकती है, तो इसकी वजह से भी अपने जो है जो ये सेक्स रेशियो ये कम मिलता है। इसके बाद थर्ड अपने आता है भाई जो अपने बॉयज़ हैं उन बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जो गर्ल्स होती हैं उनके मुकाबले। फोर्थ जो है वो द्वारी सिस्टम जो चलता है उस द्वारी सिस्टम के कारण भी अपने सेक्स रेशियो जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा ड्यू टू फैसिलिटी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन की जो अपने फैसिलिटी मिली है उस फैसिलिटी के बाद में जो फीमेल फोटिस जो है उनको अपने अब्रोड कर दिया जाता है। तो ये अपने कुछ फैक्टर्स आते हैं राजस्थान के अंदर जो सेक्स रेशियो है सेक्स रेशियो के लिए। इसके बाद अगला अपने नेक्स्ट आता है लिटरेसी सेक्स रेशियो के बाद नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है लिटरेसी। देखिए लिटरेसी में क्या होती है, लिटरेसी जो है वो अपने एक इंडिकेटर होती है जो क्वांटिटेटिव अपने एस्पेक्ट्स होते हैं पॉपुलेशन के उस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है पॉपुलेशन को उनको इंडिकेट करता है जिसमें अपने उसका सोशल एंड इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है
किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पॉपुलेशन का किस टाइप से हुआ है वो इसके अंदर आता है। और जो लिटरेसी जो होती है या लिटरेसी रेट की अगर बात करें भी, लिटरेसी रेट जो है इस लिटरेसी रेट को काउंटिंग किया जाता है एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी। लिटरेसी रेट का फॉर्मूला होता है अभी काउंटिंग करने का, जो लिटरेसी रेट है वो किस प्रकार से अपने काउंट की जा सकती है। तो लिटरेसी रेट की अगर बात करें, लिटरेसी रेट कैसे निकाली जाती है, तो लिटरेसी रेट निकालने के लिए अपने सबसे पहले आएगी लिटरेट पॉपुलेशन, ऊपर आएगी अपने लिटरेट पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन अपॉन, ऊपर लिटरेट पॉपुलेशन अपॉन आएगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ पीपल, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पीपल मोर देन 7 ईयर्स इंटू 100 इंटू 100। इस टाइप से अपने इंडिकेट करके जो है लिटरेसी रेट ये निकाली जाती है। देखिए इसको कुछ फैक्टर्स भी होते हैं इफेक्ट करने वाले लिटरेसी जो है इसको, लिटरेसी जो है इस फैक्टर अफेक्ट लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट है इस लिटरेसी रेट को फैक्टर जो है वो इफेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं। फैक्टर जो है अपने कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपने लिटरेसी रेट को इफेक्ट करते हैं। अब उन फैक्टर की बात की जाए तो उसमें एक तो जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन जो होता है अर्बेनाइजेशन के कारण ये होता है, एंड लिविंग स्टैंडर्ड है वो आ जाता है, सोशल स्टेटस ऑफ ह्यूमंस जो इसमें आ जाता है, एबिलिटी ऑफ वेरियस एजुकेशन फैसिलिटीज जो है एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ये इसमें आते हैं। राजस्थान की बात करें अपने अपने इंडिया की अगर बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, तो इंडिया के अंदर 2011 के अकॉर्डिंग जो लिटरेसी रेट पाई जाती है, एवरेज लिटरेसी रेट, एवरेज लिटरेसी रेट इन इंडिया 74.04%, 74.04%, यानी अकॉर्डिंग टू 2011 अपने एवरेज लिटरेसी रेट देखी जाए इंडिया की तो वो मिलती है 74.04% मिलती है। एंड इसी के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखें एवरेज लिटरेसी रेट इन राजस्थान तो 67.10 जो परसेंट है वो एवरेज अपने यहाँ लिटरेसी रेट देखने को मिलती है राजस्थान की। और लिटरेसी रेट के अंदर अगर देखा जाए तो लिटरेसी रेट से लो जो अपने टू जो स्टेट्स और आती हैं अपने इंडिया की, जिसमें अपने अरुणाचल प्रदेश आ जाता है एंड बिहार जो है वो लो लिटरेसी रेट में आता है, राजस्थान से भी लो लिटरेसी रेट जो है वो वहाँ पे पाया जाता है। 2011 के अकॉर्डिंग अपने देखें तो यहाँ पे फीमेल्स के मुकाबले जो मेल्स हैं उनकी लिटरेसी रेट ज़्यादा रही, और मेल लिटरेसी रेट जो है वो अपने 2011 की अगर बात करें 2011 में मेल लिटरेसी देखें तो ये मिलती है 79.2% जो है वो अपनी मिलती है मेल लिटरेसी। एंड फीमेल लिटरेसी की बात करें, फीमेल लिटरेसी अगर देखी जाए अपने 2011 के अकॉर्डिंग तो फीमेल लिटरेसी जो है वो मिलती है 52.1% मिलती है अपने फीमेल लिटरेसी रेट 2011 के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से अपने देखिए राजस्थान के अंदर जो मेल लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है फीमेल लिटरेसी रेट से। अब अकॉर्डिंग टू 2011 बात करें तो हाईएस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी है, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ
district of highest literacy. हाईएस्ट लिटरेसी की जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कोटा. कोटा है 76.60%. 76.60% कोटा मिलती है. एंड लोवेस्ट लिटरेसी देखी जाए तो लोवेस्ट लिटरेसी मिलती है जालोर में. जालोर जो है 54.90% जो है वो जालोर की लिटरेसी मिलती है. तो इस टाइप से अपने देखिए जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर लिटरेसी जो है 2011 के अंदर पाई गई. एंड 2001 से लेके 2011 तक बात करें, 2001 टू 2011 जो बिटवीन, यानी ये जो 10 ईयर का जो टाइम था, इनके बिटवीन मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ इन लिटरेसी जो है, मैक्सिमम इंक्रीज इन लिटरेसी, जो लिटरेसी है उसमें मैक्सिमम इंक्रीज जो है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है डूंगरपुर. डूंगरपुर में 10.90% जो है वो लिटरेसी रेट बढ़ी अपने, 10.90% जो है वो रिकॉर्डेड की गई मैक्सिमम अपने लिटरेसी रेट जो है वो 2001 और 11 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है डूंगरपुर में अपने लिटरेसी रेट बढ़ी. लिटरेसी रेट्स अपने कंप्लीट हो चुका है, लिटरेसी वाला पॉइंट. लिटरेसी के बाद में अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ट्राइब्स. लिटरेसी के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट है ट्राइब्स. देखिए ट्राइब मेन होती क्या है, ट्राइब्स की अगर बात करें तो ट्राइब्स जो है, ट्राइब्स एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपने ट्रेडिशनल जो इसके अपने ट्रेडिशनल जो इसकी रीति ट्रेडिशनल इसके जो सिस्टम होते हैं या ट्रेडिशनल इसके जो सिस्टम चलते हैं उनसे, एंड सोशल एंड कल्चरल जो अपने इनकी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज से एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ में काफी इनका इंटररिलेशनशिप पाया जाता है, तो वो अपना ग्रुप जो है अपने ट्राइब्स कहलाता है. अब अपने ट्राइब्स की बात करें राजस्थान में, तो द ट्राइब्स ऑफ राजस्थान मेक द मल्टी कलर्ड कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी मल्टी कलर्ड यहाँ पे कल्चरल एनवायरनमेंट पाया जाता है. एंड स्टेट के अंदर मोर एक्टिविटीज जो है वो अपने इनके द्वारा की जाती है. तो ट्राइब जो है, इन ट्राइब्स को अपने गिरिजंस और वनवासी भी कह देते हैं. इनको गिरिजंस और वनवासी इनको गिरिजन और वनवासी भी कह दिया जाता है. जो ट्राइब्स है, इन ट्राइब्स की अगर बात करें तो ट्राइब्स जो हैं वो मेनली अपने डेवलप माउंटेन्स और फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पर रहती है. एंड इनकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, सोशल सिस्टम होता है, कल्चरल होता है. एंड एनिशियंट टाइम से ही ये जो है एक अपने जो है राजस्थान में रह रही हैं. इसके अलावा ये अपने जो है हंटिंग करते हैं, फूड प्रोडक्ट जो है वो फॉरेस्ट से अपने गैदरिंग करते हैं. प्रिमिटिव टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर जो है ट्राइब्स के द्वारा की जाती है. माउंटेन्स, फॉरेस्ट, प्लेट्यू जो एरिया है उन प्लेट्यू एरिया के अंदर ये फाइंड होते हैं. अपने 2011 की अगर सेंस की जो कैलकुलेशन देखी जाए, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर पॉपुलेशन अपने ट्राइब्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो अपने ट्राइब की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो अपने इंडिया के अंदर जो राजस्थान का जो प्लेस है ट्राइब्स के अकॉर्डिंग जो आता है वो सिक्स प्लेस आता है. यानी राजस्थान का जो है वो सिक्स प्लेस आता है 2011 के अकॉर्डिंग. ट्राइब्स के अंदर अगर देखा जाए, भी ट्राइब्स जो यहाँ पर लिविंग करती हैं उस लिविंग के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग 2011 जो टोटल अपने पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, वो टोटल पॉपुलेशन राजस्थान में पाई जाती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब इन राजस्थान में
राजस्थान में टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें ट्राइब्स की 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, तो 92.39 लाख जो है वो अपने पाई जाती है। एंड टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज देखें, परसेंट अगर देखा जाए इसका, टोटल पॉपुलेशन का परसेंट देखें तो 13.18% पाया जाता है। बी फाउंड जो होता है अपने को परसेंट के अकॉर्डिंग ट्राइब जो मिलती है वो 13.18% अपने ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है राजस्थान में। देखिए टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अपने जो राजस्थान की, तो राजस्थान में मैक्सिमम जो अपने ट्राइबल पॉपुलेशन राजस्थान में पाई जाती है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो डिस्ट्रिक्ट है उदयपुर। यानी उदयपुर जो है उस उदयपुर में मैक्सिमम ट्राइब्स जो है, ट्राइब पॉपुलेशन पाई जाती है, मैक्सिमम ट्राइब पॉपुलेशन यहाँ मिलती है। और यहाँ की जो मेन ट्राइब्स है उनकी अगर बात करें तो उन मेन ट्राइब्स के अंदर मीना आ जाता है, भील है, ग्रासिया है, सहारिया है, दामर है, कथोड़ी है, कंदर है, सांसी है, ये इसकी मेन अपने ट्राइब रहती है। इन मेन ट्राइब के अदर बाद में भी सम अदर अपने ट्राइब आती है, सम अदर ट्राइब जो है राजस्थान के अंदर, जिनमें धानका, नायका, पटेलिया आदि जो आ जाते हैं। मीना ट्राइब जो है वो मेनली फाउंड होती है जो अपने अपने मीना की बात करें ईस्टर्न प्लेन्स एंड प्लेट्यू जो एरिया है, उस ईस्टर्न प्लेन्स और प्लेट्यू एरिया के अंदर अपने मीना जो है ज़्यादा मिलती है। एंड भील ट्राइब की अगर बात करें तो भील ट्राइब जो है जो अपना अरावली एरिया जो है, साउदर्न अरावली का जो एरिया, साउदर्न अरावली के एरिया में मिलती है। ग्रासिया की बात की जाए तो ग्रासिया जो है वो सिरोही में, पाली, उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इनके अंदर अपने मिलती है। इसी प्रकार अपने जो है इन ट्राइब्स का अलग अलग जो है फैला हुआ है अपने जो प्रारूप राजस्थान में आता है। इसके बाद अपने आते हैं ट्राइब्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होती है इनकी, ट्राइब्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। करेक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स जो है इनकी विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब विशेषताएं आएंगी। विशेषताएं की अगर बात आए तो इनकी अगर बात करें तो दे लाइव अवे फ्रॉम द अर्बन एरिया, दे लाइव फ्रॉम द अर्बन एरिया, यानी अर्बन एरिया जो है उस अर्बन एरिया से ये दूर रहते हैं। मेनली ये रिसाइड कहाँ करते हैं, जो अपने फॉरेस्ट है वहाँ पर रिसाइड करेंगे, एंड माउंटेन्स एरिया है, प्लेट्यू जो रीजन्स है उन प्लेट्यू रीजन्स में ये अपने करते हैं रिसाइड। सेकंड इनकी जो बात आती है वो ये आती है, अभी इनकी क्या होती है ओवन लैंग्वेज होती है, कल्चर जो है खुद का इनका अपना खुद का कल्चर होता है, हैबिटेट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एंड सोशल जो स्ट्रक्चर है वो खुद की सोशल स्ट्रक्चर पाई जाती है इनमें। थर्ड इसके अंदर आते हैं इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो लाइफस्टाइल क्लोजर टू नेचर, यानी इनका जो लाइफस्टाइल है वो कैसा होता है, क्लोजर टू नेचर, जो नेचर है इस नेचर के साथ में काफ़ी इनका जो है क्लोज रहता है, क्लोजर टू नेचर। भी इनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो अपने नेचर के ऊपर इफेक्ट रहेगी, आर्टिफिशियली कम होती है और नेचर से ज़्यादा रिलेटेड होती है। एंड फोर्थ इनका आता है ये जो अपने वर्क करते हैं, ये वर्क जो करते हैं वो ओल्ड मेथड्स जो हैं उन ओल्ड मेथड को ही फॉलो करते हैं, फॉलो ओल्ड मेथड्स जो हैं उन ओल्ड मेथड्स को ये यूज करते हैं, जिनमें फूड गैदरिंग आ जाता है, प्रिमिटिव टाइप के अपने एग्रीकल्चर आ जाती है, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, हंटिंग है, फिशिंग है, इस टाइप की ये एक्टिविटीज जो हैं वो करते हैं। अपने देखिए अपने राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो ट्राइबल जो है इंडिपेंडेंस से ही अपने यहाँ पर मिल रही है, एंड ड्यू टू गवर्नमेंट एंड देयर कम्युनिकेशन टू अदर सोसाइटीज जो है इनके अंदर कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने जो ट्राइब्स है वो राजस्थान में मिलती हैं कुछ। तो उन ट्राइब्स की अगर बात करें तो उनमें अपने जो कुछ सम ट्राइब्स हैं राजस्थान की इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे बाकी। तो उनमें ट्राइब्स में पहली जो ट्राइब आती है वो आती है मीना ट्राइब।
मीना, मीना ट्राइब आती है। देखिए मीना ट्राइब की अगर बात करें तो मीना ट्राइब जो है वो ट्राइब स्टैंड्स फर्स्ट फर्स्ट प्लेस, यानी स्टेट के अंदर अगर बात करें तो दिस ट्राइब स्टैंड फर्स्ट इन द ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी ये जो है फर्स्ट है अपने फर्स्ट इन द ट्राइबल पॉपुलेशन लेसन इन द स्टेट, यानी स्टेट की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उस ट्राइबल पॉपुलेशन में फर्स्ट प्लेस के ऊपर ये स्टैंड मिलती है। एंड ये जो अपने मिलती है देखने को तो ये जो मिलती है अपने राजस्थान के आल पार्ट्स, जो आल पार्ट्स है राजस्थान के उन आल पार्ट्स के अंदर अपने जो मीना ट्राइब है ये मिलती है। एंड दे मेनली लिव इन जयपुर, जयपुर दौसा सवाई माधोपुर जो है वहां पर मिलती है, करौली है, अलवर है, टोंक भरतपुर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर मिलती है। मीना आर द मोस्ट मोस्ट प्रोस्पेरियस एंड एजुकेटेड ट्राइब, ये जो है अपने एजुकेटेड ट्राइब जो है उसके अंदर अपने स्टेट की आती है। एंड दे बिलीव इन मैनी गॉड्स, मैनी जो गॉड्स हैं उन मैनी गॉड्स के अंदर ये बिलीव करते हैं। एंड इनका जो ओरिएशन जो माना जाता है वो ये माना जाता है अभी इनका जो ओरिजिन हुआ वो लॉर्ड विष्णु जो थे, लॉर्ड विष्णु, यानी ये मानते हैं अपना ओरिजिन, अपना ओरिजिन मानते हैं लॉर्ड विष्णु का एक रूप था अपने जो सबसे फर्स्ट जो रूप लिया था इन्होंने लॉर्ड विष्णु ने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट अपना जो रूप लिया उस फर्स्ट रूप का जो नाम था वो मरमेड नाम था, मरमेड मरमेड जो मरमेड रूप लिया इस मरमेड रूप से ये अपना ओरिजिन मानते हैं। एक तो ये अपना ओरिजिन ऐसे मानते हैं, सेकेंड जो है ये बिलीव अपने बात की जाए द वर्ल्ड मीना, जो वर्ल्ड मीना है ठीक है, वर्ल्ड द वर्ल्ड मीना ड्राइव फ्रॉम संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज ठीक है, वर्ड जो मीना है वो अपने संस्कृत का एक वर्ड है, संस्कृत के वर्ड से ये मीना जो है ये बड़ा है, संस्कृत के वर्ड से संस्कृत का मीना, मीना जो है ये ड्राइवन फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज वर्ड मीन, जो संस्कृत लैंग्वेज वर्ड मीन है उस संस्कृत लैंग्वेज वर्ड मीन से ही मीना वर्ड जो है ये बना है। और मीन का मतलब होता है अपने फिश ठीक है, तो मीन का जो मेन से है फिश होता है उससे ये बना है। एंड मैक्सिमम जो पॉपुलेशन इनकी पाई जाती है मीना की, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलती है वो मिलती है जयपुर के अंदर, जयपुर में, जयपुर में इनकी मैक्सिमम अपने पॉपुलेशन मिलती है मीना जो ट्राइब है इसकी। एंड मीना जो ट्राइब्स हैं, मीना ट्राइब के दो सेक्शंस हैं, दो सेक्शंस में एक तो ये आ जाते हैं जमींदार मीना में, इनके टू सेक्शन मिलते हैं, टू सेक्शन है, फर्स्ट जो है वो आता है जमींदार जमींदार मीना, एंड सेकंड आता है चौकीदार मीना, यानी ये दो सेक्शन के अंदर बंटे हुए हैं, एक तो जमींदार मीना एंड एक चौकीदार मीना। जमींदार मीना जो है वो जमींदारी का वर्क करते हैं, चौकीदार मीना जो है वो चौकीदारी का वर्क करते हैं, तो ये दो ट्राइब में बंटे हुए हैं। इसके अलावा इनके सम अदर ग्रुप्स जो पाए जाते हैं अलग अलग ठीक है, जिसमें अपने आ जाता है रावत है, चमारिया है, चौथिया है ठीक है, इस टाइप के अलग इनके ग्रुप मिलते हैं। एंड इनका एक पुराण है मीना पुराण, जो अपने मुनि मगन सागर जो थे उन्होंने राइट किया था, जिसके अंदर 5200 गोत्र इनके बताए गए, 52 तार्स बताए गए हैं, एंड 13 इनकी पाल्स जो है उनके बारे में बताया गया है मीना के। और ये मीना की आती है तार्स की। अब ये मीना का जो मेन परिचय जो है वो तो हो गया है आज अपना, और बाकी इसका जो सोशल लाइफ वगैरह जो रहती है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।